चुके हैं और हमें बेसब्री से इंतजार है हमारे बच्चों का। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तो आपको मिलवाएंगे अपने इन बच्चों से, क्योंकि मुझे तो पता ही है इन बच्चों का पेपर बहुत वास्तव में अल्टीमेट आया था, बहुत जबरदस्त पेपर आया था। तो सबसे पहली बात तो रोहित, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो आप कहां से हैं? मैं सर यूपी से हूं सर। यूपी से हैं आप? यस सर। तो रोहित, आपका किस चीज का पेपर था बेटा? वाई ग्रुप का था, एक्स ग्रुप का था, किस चीज का? सर मेरा वाई ग्रुप का पेपर था सर। अच्छा, वाई ग्रुप का पेपर था आपका। अच्छा, पेपर कब था आपका? सर मेरा पेपर 15 तारीख को था। 15 तारीख को, क्योंकि आज आपने एसडीएम एंट्री करी है, क्योंकि आप छुट्टी पे गए हुए थे। अच्छा, तो पेपर के बारे में बताओ कैसा था सर। इंग्लिश तो जैसे मैम ने एग्जैक्टली जैसा मैम ने लिखाया था, बिल्कुल सेम टू सेम सब क्वेश्चन रखे थे। जैसे अनीता मैम ने, जैसे आपने बताया सिनोनियम एंट्री जैसा रखा गया था, वो सेम टू सेम आया था सर। अच्छा, क्या बात है, मैम भी देख रही होंगे आपकी, क्योंकि इन बच्चों को मैम पढ़ाती हैं, अनीता चौधरी मैम है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। और मैम का कहना, इन बच्चों का कहना ये है मैम, वीडियो आप देख रही होंगी, कि सेम टू सेम वही चीज आई थी जो आपने पढ़ाई हुई थी। तो देखो आप, मुझे लगता है मैम और भी ज्यादा आप पे ज्यादा वर्क करेंगी, क्योंकि देखो जब कोई टीचर काम कर रहा होता है ना बच्चों, और उनको वास्तव में पता चल जाए कि हमारी मेहनत कहाँ जा रही, सही डायरेक्शन में है, तो वो जो टीचर है ना, वो अध्यापक खुद ही और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा बच्चों पे मेहनत करता है। अब मैथ का भी बताओ यार। सर रागा में सर, आप रीजनिंग में सर, जैसे आपने बताया था सर, जैसे इमेज इमेज वाली इमेज बताई तो वो सीरीज वाली होंगी सर। अच्छा, सीरीज वाली की ऐसे ऐसे बनता है वो सर, क्वेश्चन सेम थे सर, जैसे आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आया था। क्या बात है, ये रीजनिंग की बात कर रहा है, क्योंकि वाई ग्रुप में जो है ना रीजनिंग आती है। अब जैसे ये बच्चा मेरा एक्स ग्रुप का, अभी इससे मैं बात करूंगा, फाइनली अभी इनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर देके आ रहे हैं सभी। कॉल भी बहुत आ रही है आपके दोस्तों की, जैसे कॉल आ रही है पेपर देके आ रहे हैं, कि कल जैसे आर्यन तिवारी उसका फोन आया कि सर जय हिंद सर, मैं बोला जय हिंद सर, बहुत लाजवाब पेपर रहा और इतना इजी पेपर आया कि जो सेम आपने कराया था ना, बिल्कुल कॉपी मिला वहां पर। तो मैंने कहा बेटे पेपर इजी नहीं था, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। अब जैसे इन बच्चों का कहना है कि सर वास्तव में पेपर, अभी जैसे मेरे पास एंट्री मारी इन्होंने, मैंने तुरंत रोक लिया, बोला बेटे रुक जाओ। और मेरे एक बच्चे के साथ थोड़ी सी एक घटना भी घटी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत जानने वाली घटना है, क्योंकि अदर बच्चे के साथ ये घटना ना घटे। तो अब बेटे आपका पेपर अच्छा गया? Yes, बढ़िया भाई, पक्का? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आपकी मम्मी भी देखेंगी इस वीडियो को, तो खुश हो जाइए मैम, पेपर बहुत लाजवाब गया, क्योंकि पेपर वास्तव में बहुत इजी आया हुआ था, क्योंकि वही था जो हमने पढ़ाया था, उससे कुछ भी बाहर नहीं आया है। इस बच्चे का भी पेपर था। मान महेंद्र, आप कहाँ से? मान सर, मैं यूपी से हूँ सर। यूपी से हैं? यूपी में कहाँ से हैं आप? सर डिस्ट्रिक्ट जालौन। डिस्ट्रिक्ट जालौन से हैं आप? तो आपका किस चीज का पेपर था बेटा? सर मेरा वाई ग्रुप का सर पेपर था, एयरफोर्स। ओके, तो आप ये बताओ, जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो सेंटर से पहले की स्टोरी अपनी सुनाओ। सर मैं जब एग्जाम देने जा रहा था सर, तो थोड़ा हुबलेस हो रहा था, डर सा लग रहा था सर, कैसा पेपर आएगा, लेकिन सर अंदर गए सर, कुछ था ही नहीं सर, नॉर्मल पेपर था। आपने जो पढ़ाया सर उसके लेवल में तो ये कुछ भी नहीं था सर। क्या बात है, यानी कि इसका कहना ये है कि जब मैं सेंटर में नहीं गया, सेंटर से पहले तो होपलेस हो रहा था, और ये सभी के साथ होता है जब हम सेंटर में जा रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है यार क्या होगा, कैसे होगा, फेल होगा, पास होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बाहर से आएगा। और जैसे इसने एंट्री करी और जैसे इसके हाथ में पेपर आया, तो ये कह रहा है कि सर आपने तो बहुत बड़े स्तर पर पढ़ा रखा था, बहुत ही छोटी छोटी चीजें पूछी गई थी। चलो बहुत बढ़िया और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेपर इतना अच्छा गया है। और मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मैं एक चीज ये कहता हूँ कि अभी हमारे बच्चों के एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी के एग्जाम, मतलब देखो कितना अच्छा लग रहा है अपना, है ना, अपने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, अब तुम्हारे सिलेक्शन आने वाले हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन मैं, हम एक ही चीज सोच रहे हैं, आपको एक पोस्ट पर नहीं रोकने के, आपके और फॉर्म भराएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट है, आपकी 2-4 पोस्टों में सिलेक्शन होगा तो मजा आएगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, ठीक है नी। तो चलो, आपका वाई ग्रुप वाला पेपर वास्तव में बहुत ईजी था। और किस किस का अच्छा पेपर गया बेटा, जो हमारे भी बच्चे नहीं है, और जिन जिन का पेपर था मुझे कमेंट में बताना किस किस का अच्छा गया है। अब आपका संचित कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर तो देहरादून से भी बहुत दूर है। चलो कोई नहीं, तो पेपर आपका एक्स ग्रुप था या बाइक का था? एक्स ग्रुप का था। कैसा गया थोड़ा बताओ। अच्छा गया सर, अच्छा गया। अच्छा, जो आपने पढ़ाया था सर बिल्कुल सेम सेम आया था। थोड़ा मुझे यार इसके टॉपिकों के बारे में बताओ, मैथमेटिक्स का बताओ, क्योंकि भाई मैं तो मैथ से ही हूं, तो थोड़ा मैथ के बारे में जानना चाहूंगा। हां, जैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन से आया हुआ था, इंट्रीगेशन से, अभी आप मुझे बता रहे थे कि इंट्रीगेशन से आया, लिमिट वाला था, विदाउट लिमिट वाला था, विदाउट लिमिट वाला था, क्या बात है। और जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या पूछा था? रूट्स पूछा था। मैंने पहले ही कहा था आपको क्लास में, yes, sir, आपको पता नहीं, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि एयरफोर्स में और नेवी, SSR, AA, कोस्ट गार्ड, ये तो मेरे लिए बहुत सेकंडों की चीजें हैं, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज सिखाता हूँ फिर आपका होगी, क्योंकि मैं 100 kg का वेट उठाने की कैपेसिटी डालता हूँ। अब आप जो 100 उठा लेगा वो 10वीं 20 30 तो वैसे ही उठा के ले जाएगा। और ये जो सोच है ना इनकी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों में, क्योंकि जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ पता है क्या कह रहा है, सर पेपर बहुत ईजी था, सर पेपर बहुत ईजी था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज टच हुई कि पेपर इजी नहीं था, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपकी तैयारी
बहुत बड़े लेवल पे थी, आपने एनडी की तैयारी की, लेकिन अपने यहाँ पर आपने देखा होगा सारे लेक्चर मैंने आपको ज्वाइन कराए, अर्थमेटिक मैथ कंटिन्यू रहा, एडवांस मैथ कंटिन्यू रहा, रीजनिंग कंटिन्यू रही, और आज तुम और तुम तीनों के तीनों जो आज आप बता रहे हो रीजनिंग में सर सेम एज इट इज था। मैं चाहता आपको कहता कि अभी आप क्लास मतलब आप एनडी क्लास लेते रहो तो लॉस था ना। तो सबका तैयारी करने का फायदा ये होता है, जैसे मान लो हम किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं और हमने एक फॉर्म नहीं भरना है, मैं क्या कहता हूँ कम से कम 25-30 फॉर्म भरो, तो हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस है ना वो बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि कई में पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। मान के चलो एक में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे में। अब जैसे इस बच्चे के साथ है, अब मैं इस बच्चे की बात करूंगा, एक बच्चे के साथ थोड़ा सा घटना क्या घटी वो यही बताएगा, मुझे भी अभी पूरी का नहीं पता क्योंकि इसने जस्ट अभी आया मेरे पास, तो मैं तो सीधा मैंने कहा चलो वीडियो में आते हैं, और आपके बहुत से दोस्त हैं जो आ रहे हैं, और वास्तव में सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा बेटे थैंक यू, आपने जो करके दिखाया है वास्तव में हम खुश हो गए यार, सच में मजा कर दिया आपने एसडीए का, और एसडीए की टीम आपसे वादा करती है वीडियो के अंदर कि अब जितनी मेहनत आप पे की थी इससे भी दुगनी मेहनत आप पे और करेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है हमें। बेटे आपके साथ क्या हुआ था, एयरफोर्स के वाई ग्रुप का पेपर इस बच्चे का नहीं हो पाया क्योंकि फिर ये स्टेनो का देके आया कि इसके किसी दो एग्जाम थे इसके, अब वाई ग्रुप में क्या हुआ वो सुनना चाहूंगा। हाँ आप बताओ सर, मेरा सबसे पहले 13 तारीख को स्टेनोग्राफर का आप पेपर था। माइक हाथ में लो आप क्योंकि आवाज भी सही आनी चाहिए। हाँ सर, मेरा 13 तारीख को स्टेनोग्राफर का पेपर था सर, आपने जितनी रीजनिंग कराई है बिल्कुल नोटबुक में से आया बिल्कुल सेम, और मैम ने कराया सेम बिल्कुल ऐसा ही आया है। फिर मेरा 14 तारीख को एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर था मेरा, पर मैं गया था उस रेलवे स्टेशन पर तो वहां पर ट्रेन मेरी कैंसिल हो गई थी। आपके साथ हुआ बिल्कुल सेम, आराम से एजिटेशन बिल्कुल नहीं रखनी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल मुझे बताओ आपका जैसे 13 तारीख को स्टेनो का पेपर था बहुत अच्छा गया, यस सर बढ़िया गया, यस सर। अब आपका 14 में एयरफोर्स का पेपर था तो फिर क्या हुआ सर, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, ठीक है। फिर मैंने लगा मैंने कि टाइम से बस वाले अंकल से पूछा मैंने, वो कह रहे थे मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी सर, बीच में जाम लग गया था उसकी वजह से 1 घंटा लेट हो गया था। फिर वहां पर सेंटर पर गया था मैं तो सर ने वो अंदर नहीं घुसने, मैंने कहा सर मेरा लेट हो गया था, ट्रेन भी कैंसिल हो गई थी और मैं बस में आ रहा था तो जाम फाम मिला था रास्ता में, इसलिए मैं लेट हो गया था सर, आगे से नहीं होगा सर। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की सर मैंने सर, वो नहीं माने, आपने काफी रिक्वेस्ट की, और एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ आप भी समझ सकते हो कि कहते हैं ना जब जिंदगी ऐसा लगता है कि अब जिंदगी नहीं रही, यस सर सच में ऐसा लगता है कि जब हम किसी पेपर को देने जा रहे होते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती है, हमारे हाथ से जा चुकी होती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म सी हो रही है, और उस टाइम आप सच में वो आपके आप चाहते ना कि आप मेरे पैर पकड़ लो तो आप पकड़ सकते थे और आपको अंदर भेज सकते थे, लेकिन बेटा 1 घंटा मुझे नहीं मालूम था कि आप 1 घंटा लेट हुए, लेकिन इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस बच्चे के 2 एग्जाम थे, एक मेरा स्टेनो का एग्जाम था, चलो उसके लिए बहुत अच्छा थैंक यू आपने जो मुझे दिया, क्योंकि देखो थैंक यू तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने जो बहुत अच्छा यार रिजल्ट दिया है, क्योंकि गजब वाला प्रदर्शन वहां पर दिखाया, जबरदस्त वाला दिखाया, क्योंकि तैयारी आपकी बहुत बड़े स्तर पे थी और आप तो वास्तव में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और ये जो चीज आपके साथ घटी है मैं चाहूंगा कि अदर बच्चों के साथ बेटा ये ना घटे, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है तो आप टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने आपसे पहले भी कही है, क्योंकि देखो कोई किसी की नहीं सुनता, आप गेट पे गए वहां पे आपका गेट कीपर था, वो चाहता तो आपको एंट्री भी दिला सकता था, चाहे भले वो आपको 30 मिनट दे सकता था कि भाई चलो ठीक है इस बच्चे को 30 मिनट में पेपर सोल्व कराओ, ये कर सकता है, ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, वो आपको 30 मिनट भी दे सकता था। तो यार थोड़ा जो गेट कीपर वगैरह होते हैं उनसे सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा इंसानियत रखो भाई, ये बच्चे बड़ी दूर दूर से आते हैं, और पेपर कहाँ था आपका, बनारस, यार बनारस पेपर था, जो गेट कीपर है थोड़ा ध्यान दो भाई, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई शेयर करो यार इसको, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चों के साथ हो रहा है, हमारे हमारे कितने ऐसे इंडिया के बच्चे होंगे, हमारे मतलब हमारे एकेडमी के नहीं मैं अपने सभी की बात कर रहा हूँ, कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं और कितने बच्चे गेट से नर्वस होकर वापस आते हैं, आप सोचो यार ये बच्चा इलाहाबाद आपका पेपर था, बनारस बनारस यार इसका पेपर था, सोचो देहरादून से बनारस पहुंचने में कितना समय लगता है, और स्टेनो का कहाँ था पेपर, दिल्ली, यार दिल्ली, अब आप सोचो 13 तारीख को वो दिल्ली पेपर देने गया और वहां से दिल्ली से सीधा ट्रेन उसको नहीं मिली तो वो सीधा बस से भागम भाग, यार आपको सलूट है सबसे पहली बात तो, क्योंकि देखो यार बनारस बस से बैठ के, और सोचो ये आपके साथ जो वो जो पल गुजर रहे होंगे धक 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 भागो, और सबसे पहली बात जो ड्राइवर साहब हैं बस के आपको थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने बच्चों के बारे में ऐसा किया, क्योंकि आपने पूरी कोशिश की बस को टाइम पर पहुंचाने की,
फाइनली कुछ टाइम लेट हो गया, लेकिन ये गेटकीपर है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा यार, ये बच्चे बड़े दूर दूर से आते हैं, थोड़ा ध्यान रखो, कहीं पर भी बच्चों का पेपर हो, कहीं भी, दिल्ली हो, शाहजहांपुर हो, या देहरादून हो, कहीं भी हो, यदि कोई बच्चा 10-20 मिनट या 15 मिनट भी लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, आप उनके मिनट काट लो, आप उनको जितने भी मिनट बचे हैं आप उसको उस मिनट में पेपर देने दो यार, क्योंकि अब सोचो इस बच्चे को क्या बीतरा होगा जब ये पेपर नहीं देखे आया। चलो कैसा लगा जैसे अब आप पेपर नहीं हुआ आपका गेट से आपको वापस कर दिया गया, क्या फील हुआ? सर दुख तो हुआ, लेकिन आगे से मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। क्या बात है, तैयारी करके जाऊंगा और ज्यादा। चलो यानी कि मैं एक ही चीज सिखाता हूँ अपने हर बच्चों को, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। तो ये जो वीडियो है हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे आ रहे हैं और सभी से बातें हो रही हैं और फोन पे भी बातें हो रही हैं। फाइनली बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा बेटा, जिन जिन का पेपर था वास्तव में आपने बहुत अच्छा करके दिखाया, और आपकी जो मेहनत है ना वो दिखाई दे रही है, बस इसी तरीके से आप अपना सिलसिला चलाए रखो। और आपके घर वाले देखो ना, जब आप इतनी कम एज में सक्सेस होगे, नौकरी करोगे, तो आपके पास सब कुछ टाइम पे सेट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।